हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, 240 रुपये का शेयर गिर कर पहुँचा 27 रुपये तक। तो मतलब गिरता रहा गिरता रहा, गिरते गिरते 27 रुपये पे जाके अटका। अब धीरे धीरे उड़ने को तैयार हो रहा है और कुछ माहौल इस तरीके का बन रहा है कि इसके जो उड़ने को जो तैयारी ये कर रहा है उस पे पंख लगने लग गए हैं। तो आप सोचिए भाई, अब पंख लगेंगे तो कितना उड़ेगा। चलिए बात करते हैं शेयर के बारे में, कौन सा है ये शेयर, क्यों तैयार हो रहा उड़ने का, क्या रीजन्स है उसके पीछे, उन सब के बारे में जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो देखिए, 240 रुपये का ये शेयर कौन सा है भाई जो उड़ने को हो रहा है तैयार इतना बेताब। तो ये कंपनी कोई और नहीं, इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में ज़बरदस्त गिरावट झेलने को मिली थी। इसमें देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 2600 करोड़ का है, करंट प्राइस जो है 39 तक पहुंच चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6-7% के, लेकिन सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त पिछले 3 साल की एवरेज 42% की अल्टीमेट। और डेट बहुत कम है, मतलब 60-65 करोड़ का डेट है, कम कहूँगा मैं इसको। अब सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको रीजन्स की तरफ कि क्यों उड़ने को तैयार हो रहा है। पहले देखते हैं गिरावट, जो गिरावट आई थी अक्टूबर में इन्फीबीम में। तो देखिए, 240 का शेयर ये बिल्कुल धड़ाम, पहले दिन एक बार गिरा ऑलमोस्ट 141 तक गया, अगली बार थोड़ा ऊपर से गिरा और देखिए 180 से फिर गिर के ये 40 तक गया, फिर धीरे धीरे करके पहुँचा 27-28 रुपये तक के लेवल पे पहुंचा, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, 30-31 के लेवल पे चला गया। मतलब अब यहाँ से, अब इसमें देखिए बिल्कुल, अगर पिछले 5 दिन का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से जंप करने को रहा है। आज 15 को तो ये गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, देखिए 35 रुपये से सीधे गैप अप ओपनिंग 39 रुपये तक। तो वही पंख लगने को तैयार है, बन रही है इसमें कुछ उड़ान की साजिशें। अब देखिए क्या रीज़न है वो जानते हैं। सबसे पहले जो ई कॉमर्स कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज, इसका जो रिवेन्यू आया ना क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का, वो डबल हो गया है। ये एक रीज़न है। अगर आप देखें, इन्फीबीम क्लॉक्ड इन द रिवेन्यू ऑफ 21.09 मिलियन फॉर द दिसंबर क्वार्टर। चलिए भाई, अच्छी बात है। और जो इसका जो पेमेंट्स है बिजनेस है ना, अब आप सोच रहे होंगे भैया पेमेंट बिजनेस कौन सा है, तो आप अगर इन्फीबीम एवेन्यूज़ को जानते नहीं हैं तो जान जाइए। कई बार आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते टाइम देखा होगा या कई जगह पे देखा होगा सी सी ए एवेन्यूज, जहाँ पर आपने देखा होगा अगर अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में देखा होगा कई जगह, तो वो वहाँ पे वो एक इसका मेजर फोकस एरिया। और 7 बिलियन का जो पेमेंट, इट एम्स प्रोसेस पेमेंट्स वर्थ 7 बिलियन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये टारगेट रखा गया है इन्फीबीम एवेन्यूज। अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था, 2017 दिसंबर क्वार्टर में मात्र 2 करोड़ के आसपास था, 1.9 करोड़ का। तो इस बार कितना, 26 करोड़, जबरदस्त भैया, जबरदस्त उछाल मैं कहूँगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, इट्स टोटल रिवेन्यू ऑफ द कंपनी मोर देन डबल, टोटल रिवेन्यू जो है वो 150 करोड़ हो गया, जो कि 74-75 करोड़ हुआ करता था पिछले साल। भाई तो ये जो पंख लग रहे हैं ना, इस ये रिजल्ट रूपी पंख लग रहे हैं शेयर में, ये इसको कहाँ तक उड़ा के ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो भाई कौड़ियों के भाव मिल रहा है ये शेयर। तो इन्फीबीम एवेन्यूज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है विशाल मेहता जी, उन्होंने कहा कि भैया स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है पेमेंट बिजनेस में, भैया हमको ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, बहुत बढ़िया। उन्होंने और भी कहा कि कंपनी का जो प्लान है, वो जो प्रोसेस पेमेंट वर्थ इंडियन रुपीज 50,000 करोड़, भैया हम इतने का काम करेंगे भाई पेमेंट के सेक्शन में, अच्छी बात है, पॉजिटिव है। पेमेंट गेटवे है सी सी एवेन्यूज तो, और इन्फीबीम टू इन्वेस्ट 22.4 मिलियन इन पेमेंट गेटवे सी सी एवेन्यू, प्लान टू मर्ज ऑपरेशंस, मर्ज ऑपरेशन कर ऑपरेशन मर्ज करने वाले हैं ये सी सी एवेन्यूज के उसमें। अब आप देखिए भैया, ये सब चीज़ें ये काफ़ी पॉजिटिव लग रहा होगा आपको इन्फीबीम एवेन्यूज़ में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्फीबीम एवेन्यूज़ के टेक्निकल चार्ट पिछले 4-5 साल का, देखिए आप खुद देखिए, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा था नो डाउट। ये देखिए मई 2016 से लेकर अब तक बहुत बढ़िया ग्रो किया, लेकिन जब गिरा ये बिल्कुल धराशाही हो गया, और अभी कौड़ियों के भाव मिल रहा है, मैं तो ये कहूँगा ये शेयर
बिल्कुल निचले स्तर पे मिल रहा है। और अगर आप इस शेयर की बुक वैल्यू देखें तो देखिए, खुद देखिए बुक वैल्यू 39 की है, तो अभी अपने बुक वैल्यू के आसपास एकदम पहले पंख लगे थे जो, अब वो धीरे से बिल्कुल, जैसे छोटे शेयर में कहते हैं ना वॉलीटिलिटी आती है, कई बार इसमें देखिए नीचे गिरा था ये, एक बार तो ये 160 से गिर के कहाँ गया था 88, दूसरी बार ये 200 से गिर के कहाँ गया था 99, और इस बार ये कहाँ से 240 से गिर के 27 रुपये तक आ गया। तो इन लेवल्स पे काफ़ी बढ़िया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, और कुछ कंसर्न्स अगर इसके साथ हैं पहले उनको जान लीजिए कि भैया कंसर्न्स क्या हैं, डिटेल रिपोर्ट निकाल लीजिए तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए ऐसे शेयर्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।